किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही पावरफुल कीटनाशक के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, ये जो पावरफुल कीटनाशक है, दो बहुत ही ताकतवर केमिकल के कंपोजिशन की से ये बना है, इसलिए हम इसको पावरफुल कह रहे हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, देखिए जैसे कि हमारे बैंगन की फसल पे जो हमें फल छेदक और जो तना छेदक है वो आसानी से कंट्रोल नहीं होता है, तो उसको भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ गुलाबी सुंडी जो हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है कपास की फसल में, वो आसानी से कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो उसको भी इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कीटों को कंट्रोल करता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्रिस्टल कंपनी के अपेक्स 50 इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो आज की इस वीडियो में अपेक्स 50 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल होते हैं, ये टेक्निकल कैसे कैसे काम करते हैं, इसकी डोज क्या है, कौन कौन से कीटों पर अच्छा काम करता है, कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, रेनफास्टनेस रेट क्या है, रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है, और इसका प्राइस यानी कि कीमत क्या है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए अपेक्स 50 जो इंसेक्टिसाइड है, इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला होता है इसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट जो 1.5% देखने को मिलता है, प्लस इसके अंदर होता है फिप्रोनिल जो हमें 3.5% देखने को मिलता है। ये SC फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि सस्पेंशन कंसंट्रेट के फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बहुत सारे कीटों पर काम करता है। उसके साथ साथ देखिए कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन से काम करता है। जो इसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट है वो कॉन्टैक्ट एक्शन होता है, यानी कि वो प्लांट के सिस्टम में नहीं जाता है, वो नॉन सिस्टमिक होता है, वो कॉन्टैक्ट में रहकर पत्तियों पर चिपक कर ही काम करता है। लेकिन इसके अंदर जो इमामेक्टिन बेंजोएट है इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, जिससे ये पत्तियों के आर पार हो जाता है और पत्तियों का जो प्लाज्मा है यानी कि पत्तियों का जो रस होता है उसमें भी घुल जाता है, और जब भी कीट उसको पत्तियों को खाता है या कोई शक करता है तो उसको खत्म करने का काम करता है। हालांकि जो इमामेक्टिन बेंजोएट है वो केवल हमारे चबाने वाले कीटों पर ही काम करता है। दूसरा इसके अंदर होता है फिप्रोनिल जो 3.5% देखने को मिलता है। फिप्रोनिल जो होता है ये सिस्टमिक होता है, यानी कि जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये प्लांट के सिस्टम में चला जाता है और कीट कहीं भी हो उसको खत्म करने का काम करता है। देखिए जो हमारा फिप्रोनिल है ये जो हमारा थ्रिप्स है, थ्रिप्स पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जी हाँ, ये थ्रिप्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसके अंदर जो अपेक्स 50 है, दो पावरफुल जो केमिकल है उनका कंपोजिशन होने के कारण बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारी फसलों पर देता है। यदि हम फसलों की बात करें तो किसी भी फसल पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल क्रॉप है या अन्य फसलों पर स्पेशली ज़्यादा इसका स्प्रे किया जाता है। जब हमें ज़्यादा कीटों की समस्या देखने को मिलती है, जैसे बैंगन की फसल में हमें बहुत ज़्यादा कीट देखने को मिलता है, या कपास में देखने को मिलता है, सूंडी या थ्रिप्स के लिए आप दे सकते हैं, मिर्ची में दे सकते हैं, और भी जो भी फसलें हैं सभी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। कीटों की बात करें कि कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, तो देखें मैंने बताया जो गुलाबी सुंडी की समस्या कपास में देखने को मिलती है उसको खत्म करता है। थ्रिप्स पर ही अच्छा काम करता है इसके अंदर फिप्रोनिल होने के कारण, क्योंकि फिप्रोनिल जो है वो थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ देखिए फल छेदक पे जो हमें बैंगन की फसल में, टमाटर की फसल में, मिर्च में या अन्य फसलों में देखने को मिलता है, तो फल छेदक पे अच्छा काम करता है, तना छेदक पे अच्छा काम करता है, या सूट बोरा जो बैंगन में आता है उस पर भी अच्छा काम करता है, लीफ फोल्डर पे अच्छा काम करता है, लीफ फोल्डर के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं, इल्लियों के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। कोई भी इल्ली है आपके फसल में, जैसे पत्ता गोभी में हमें देखने को मिलती है इल्लियों का प्रकोप, टबैको कैटरपिलर या फॉल आर्मीवॉर्म जो इल्लियाँ होती हैं, तो और भी जो भी इल्लियाँ सेमी लोपर हैं सब पे अच्छे से काम करता है, इल्लियों के लिए दे सकते हैं। लीफ माइनर की समस्या है तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है, लीफ माइनर के लिए दे सकते हैं। रेड बीटल जो लाडली होती है उसको भी कंट्रोल करता है, तो इन सभी कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है। और देखिए अपेक्स 50 का जब हम स्प्रे करते हैं तो हमारी फसलों में फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि इसके स्प्रे से के बाद जो हमारी फसलें हैं वो हरी भरी हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि फाइटोटॉनिक प्रभाव हमारी फसलों पर डालता है। देखिए यदि हम अपेक्स 50 इंसेक्टिसाइड की डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें देनी होती है 1.5 ml पर लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना होता है। यदि हम एक एकड़ की फसल की बात करें तो इसकी 300 ml की मात्रा एक एकड़ फसल के लिए पर्याप्त रहती है, यानी कि 300 ml की इसकी मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ की फसल में अच्छे से आप स्प्रे करें। स्प्रे करते समय आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का कर रहे हैं, फंजीसाइड का करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि जो कवरेज है
कवरेज अच्छे से मिलना चाहिए, यानी कि अच्छे से जो पत्तियों पर स्प्रे होना चाहिए ऊपर से नीचे तक, जितना अच्छा कवरेज देंगे उतना ही अच्छा हमें इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। इसके रैन फास्टनेस रेट की बात करें तो स्प्रे के बाद इसका जो रैन फास्टनेस रेट है वो लगभग 3 घंटे का होता है, कि स्प्रे के बाद लगभग 3 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, तो इसके जो रिजल्ट है हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यदि हम इसकी प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए इसका जो एक लीटर पैकिंग की कीमत है वो लगभग हमें 1800 रुपये की रेंज में मिल जाती है, 1800 से ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी बहुत नीचे भी हो सकती है, तो इसको मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये चेंज होते रहते हैं, स्टेट वाइज भी चेंज हो जाते हैं, तो अप्रॉक्स आपको एक आइडिया लग गया कि इतने का मिल जाता है, तो थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी अपेक्स 50 इंसेक्टिसाइड के बारे में। उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक शेयर जरूर कीजिएगा, जिनको इसकी आवश्यकता है तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने में हमारी हेल्प जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी जो ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।